अभी मैं खड़ा हूँ भक्ति धाम के गेट पे, देख सकते हैं कितना प्यारा गेट है। इसी के बगल में लिखा हुआ है, देख सकते हैं, जगत गुरु महक प्रभु। फिर उसके बाद अंदर चलते हैं। ये है एंट्री गेट, इस साइड एंट्री है और उस साइड देख सकते हैं वहाँ पे एग्जिट लिखा हुआ है और यहाँ पे गार्ड है पूरे, और जो भी अगर चलने में असमर्थ है उनके लिए व्हील चेयर भी यहाँ पे उपलब्ध है, फ्री में प्रोवाइड किया जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा बढ़िया से चेकिंग कर रहे हैं हर आदमी के, और अंदर कैमरा अलाउ नहीं है। यहाँ पे फीमेल का चेक हो रहा है, यहाँ पे आप कैमरा अंदर नहीं ले जा सकते। अगर कैमरा अंदर ले जाएंगे तो 5000 रुपये का जुर्माना बता रहे हैं। तो मैं अभी फोन से ही शूट कर रहा हूँ पूरा वीडियो, आपको अंदर का पूरा दिखाएंगे, बने रहिएगा वीडियो में। कृष्ण भगवान जी रथ चला रहे हैं अर्जुन का, उनके घोड़े बहुत ही प्यारे हैं। ये एंट्री गेट से थोड़ी दूर पे बनाया है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो यही मिलेगा आपको। अभी हम लोग मंदिर के गेट पे नहीं पहुंचे हैं, मंदिर का गेट अलग से बनाया। जैसे ही आप गेट से एंट्री लेंगे तो आपको सीधे मंदिर दिया, मंदिर से पहले आपको यहाँ पे शौचालय मिल जाएगा फ्रेश होने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं पुरुष और महिलाओं के लिए दोनों अलग अलग बनाया गया है, और बहुत ही सफा था, मैंने भी करके देखा इसको। दिन में तो ये पूरी मंदिर सफ़ेद दिख रही थी, मगर लाइट वजह से कितनी प्यारी अभी लग रही है, आप देख सकते हैं। आप देख नहीं बता सकते कि ये सफ़ेद रंग की रही होगी दिन में। जूता घर बनाया गया है, क्योंकि मंदिर के अंदर आप जूता पहन के नहीं एंट्री ले सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जूता रख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं फ्री लिखा हुआ है, फ्री में है, जूता दीजिए और एक आपको बैग मिलेगा उसके साथ टोकन, और जो टोकन पर नंबर रहेगा वही आपको दिखा के दोबारा से आप अपना ले सकते हैं जूता। अभी आप ये देख सकते हैं मेरे को 945 का बैग मिला है, और ये मेरा टोकन, अब इसी के अंदर मैं रखूँगा अपना जूता। अपना मैं जूता इसी में रख चुका हूँ, भैया को देने वाला हूँ ये पूरा टोकन के साथ, भैया इसको अंदर रख देंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है, मंदिर दर्शन के लिए जिसको जाना होगा उसको इस रास्ते से जाना पड़ेगा, और झांकी सिर्फ देखने के लिए इस रास्ते से जाना पड़ेगा। पहले मैं दर्शन करने के लिए जाऊँगा, उसके बाद आपको झांकियाँ पूरा दिखाता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। काम के कितने लोग यहाँ पे आए हैं दर्शन करने के लिए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। दिन में भी भीड़ थी, रात में तो देख सकते हैं कितनी भीड़ है, क्योंकि ये जो मंदिर है दिन में तो बहुत प्यारा लगता है, जब रात में लाइट जलती है तो और ही प्यारा लगता है ये। अभी आप ये सामने देख सकते हैं, आपको कुछ पान गुटखा कुछ नहीं लाना है, कोई शस्त्र नहीं लाना है, फ़ोटो खींचना मना है, वीडियो रिकॉर्डिंग मना है मंदिर के अंदर। चलिए देखते हैं, अगर कोई मना करेगा तो ठीक है। दोस्तों अभी मंदिर के अंदर मैं आ चुका हूँ। दो तरह की मंदिर बनाई गई है, इस साइड जो देख रहे हैं आपको वाइट कलर की, वाइट पत्थर की बनाई गई है, ये नया बनाया गया है, और इस साइड आपको दिखाते हैं ये जो मंदिर है जिसमें देख सकते हैं राधे राधे लिखा हुआ है, ये जो है लाल पत्थर से बनाई गई है पूरा, बहुत ही प्यारी लगती है मंदिर दोनों। यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग आए हैं फ़ोटो ले रहे हैं, कैमरा लाना मना है, मगर आप फ़ोन से फ़ोटो यहाँ पर ले सकते हैं। गार्ड्स देखते हैं तो उसके लिए भी मना करते हैं। कितना प्यारा लग रहा है मंदिर, पूरा लाइट से पूरा बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये लाल हल्का लाल पत्थर दिखता है दिन में, और अभी तो पूरा लाइट से जिस कलर लाइट पड़ रहा है उस कलर दिख रहा है। अभी आप ये देख रहे हैं पूरा मूर्ति बनाया गया है, ये है जगत गुरु कृपालु महाराज जी की मूर्ति। ये पूरा ऊपर आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लाइटिंग की गई है, ऐसे पूरे मंदिर में की गई है, आप इधर देख सकते हैं, मगर अंदर वीडियो उधर नहीं बनाने दे रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई गई है, आचार्य द्वारा प्रवचन दिया जा रहा है, लोग पूरा सुन रहे हैं, महिला पुरुष दोनों आए हुए हैं, और इस तरह के यहाँ पे वीडियो भी चल रहा है, पूरा दिखाया जा रहा है कैसे इन्होंने शिक्षा देते तो लोग वहाँ पे सुनते थे पूरा। अभी आप ये देख सकते हैं सामूहिक हरिनाम संकीर्तन कीर्तन जो करते थे उसके साथ लोग राधे 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 करते थे, और बहुत ही प्यारा लगता था पूरे से एक ही साथ कहते थे। तो आ गया हूँ मंदिर के बाहर, मंदिर के अंदर तो नई वीडियो बना दे रहे थे, आप इसका एक पिलर देख लीजिए कितना प्यारा बनाया गया है, और ये देख सकते हैं कितनी बढ़िया लाइट लग रही है। ये देख सकते हैं मंदिर के बगल में श्री कृष्ण लीला दर्शन बनाया गया है, अभी आपको दिखाते हैं कि इधर वीडियो बना सकते हैं लोग, इधर मना नहीं कर रहे हैं, बाकी मंदिर में तो मना कर रहे थे पूरा। ये देखिए कृष्ण भगवान की माता जी, इनको पूरा
रस्सी से बांधी है, उसका पूरा दृश्य दिखाया गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे देख लीजिए उनकी माँ जी पूरा माखन निकाल रही हैं, तो कृष्ण भगवान उनसे मांग रहे हैं। अभी देखिए पूरा मथुरा का दृश्य दिखता है, ये मथुरा इधर लिखा हुआ है और उस साइड वो जो दिख रहा है द्वारिका लिखा हुआ है, और ये जो है ब्रज ब्रज का दृश्य दिखाया गया है पूरा आपको। जो ये भक्ति मंदिर है आप देख रहे हैं पीछे, इसके बगल बगल में थोड़ा सा बनाया गया है, थोड़ा बहुत दिखाया गया है, वो जो साइड दिख रहा है आपको उधर जगतगुरु कृपाल जी महाराज की कुछ कार्य दिखाए गए हैं, जो उन्होंने पूरा प्रवचन दिया था और जो कीर्तन करते थे और जहाँ पर उनको उपाधि मिली थी जगतगुरु की, वो पूरा दिखाया गया है। और इस साइड जो है आपको दिखा रहे हैं श्री कृष्ण लीला दर्शन दिखाया गया है। इधर श्री कृष्ण भगवान के पूरा डिटेल में बताया गया है कि उनकी माँ कैसे उनको माखन देती थी, क्या है पूरा, आप आइए ज़रूर देखिएगा। अंदर तो पूरा ये मंदिर जो है इसके अंदर वीडियो नहीं बनाने देंगे, मगर साइड में लोग इधर बना रहे हैं, लिखा है वीडियो ना बनाएं, मगर लोग बना रहे हैं, तो इधर गार्ड्स मना भी नहीं कर रहे हैं। दोस्तों अभी आप ये देख रहे हैं सफ़ेद वाला पत्थर की जो है मंदिर बनाई गई नई वाली, दिन में तो सफ़ेद दिख रहा था, अभी भी दिख रहा है, जैसे इसके अंदर की लाइट चेंज होगी वो पूरा चेंज हो जाता है। अभी देखिए इसका कलर कैसे चेंज होगा, जैसे ही लाइट चेंज होती है ऐसे कलर भी चेंज होता रहता है। अभी ये देखिए पूरा डार्क होता जा रहा है, देखिएगा अब क्या हो रहा है, इसकी लाइट हल्की हल्की कम हो रही है। अब देखिएगा उसका कलर जो है बार बार चेंज हो रहा है, अभी देख सकते हैं हल्की लाइट कम हुआ है और फिर आप देख सकते हैं लाइट धीरे धीरे बढ़ रही है। तो ये आप देख सकते हैं गुरुधाम भक्ति मंदिर, इधर से एंट्री होगी और उस साइड से एंट्री एग्जिट होगा, अंदर वीडियो नहीं बनाने देंगे क्योंकि वीडियो अंदर बनाना पूरे मंदिर में मना है। अभी आप जो पीछे मंदिर देख रहे हैं गुरुधाम भक्ति मंदिर, इसके अंदर जगतगुरु कृपालु जी महाराज की पूरी मूर्तियां लगी हुई हैं और पूरे दीवार पे लिखा हुआ है राधे 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 राधे, पूरा सफ़ेद पत्थर से बनाया गया, देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और अंदर गार्ड्स हैं, कोई भी बोल नहीं रहा, जो भी बोलता है उसको शांत करवा देते हैं तुरंत, और एक जगह लोग खड़े भी नहीं होने दे रहे हैं। और फोटो खींचना और वीडियो बनाना तो अंदर मना ही है, मैं अंदर गया दर्शन करके चला आया और वीडियो नहीं बनाया। अभी आप ये देख सकते हैं ये एग्ज़िट है, अभी मैं इधर से एग्ज़िट किया था और उसकी एंट्री उधर से है। अभी आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है, इसका कलर भी चेंज होता है, अभी कुछ देर बने रहे एक वीडियो में आपका इसे देखाएंगे कलर कैसे चेंज हो रहा है। देख सकते हैं मंदिर परिसर के अंदर कितनी भीड़ है, ये स्कूल वाले बच्चों को टूर पे लाए हैं पूरा दर्शन करवाने के लिए। अभी आप ये देख रहे हैं कैंटीन जो है सामने, ये मंदिर के एकदम बगल में है कैंटीन, आप ये देख लीजिए लोग जा रहे हैं और यहाँ पे खाना खा रहे हैं। ये आप लोगों ने देखा मंदिर का दर्शन, अब हम लोग जा रहे हैं झांकी दर्शन। आप लोग देख सकते हैं इधर तीर बना हुआ है, अब इसके अंदर एंट्री करने वाले हैं पूरा। जैसे आप झांकी दर्शन के लिए एंट्री करेंगे आपको ये देखिए गेट, बहुत ही प्यारा गेट है, अभी खोला गया है देख सकते हैं दर्शन के लिए, और ये गोल्डन कलर में पूरा बनाया गया है। अभी आप ये देख रहे हैं बहुत ही बढ़िया, ये देखिए कृष्ण भगवान खेल रहे हैं अपने साथियों के साथ पूरा, और बगल में गाय चल रही है और मोर है और हिरण के बच्चे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं श्री कृष्ण भगवान की कितनी प्यारी मूर्ति बनाई है, और उसके बगल में जितने भी प्लांट लगाए हैं आपको लग रहा होगा पूरा बाहर से बनवा के लाया प्लास्टिक का है, मगर ये पूरा नेचुरल प्लांट है। और इसको छू जैसे ही आप अंदर छुएंगे यहाँ पे गार्ड्स खड़े हैं, तुरंत आपको डांटेंगे और वहाँ से हटवाएंगे, और यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा भी लगा है, और इसीलिए यहाँ पे देख सकते हैं पूरे प्लांट अभी तक पूरा सेफ है, ये रेलिंग के किनारे भी जो हैं कोई भी फूल नहीं तोड़ा इसमें से। आपको यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ सेलिब्रेटिंग 100th ईयर ऑफ कृपा, यानी कि 1922 में जो है जगतगुरु कृपाल जी महाराज का जन्म यहीं पे हुआ था, और इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ 2022 में यहाँ पे पूरा अच्छे से मनाया गया था, और इसी के लिए ये एक पूरा अलग से बनाया गया, आपको पूरा डिटेल में दिखाते हैं। इसके ऊपर लिखा हुआ है जगतगुरु कृपाल परिषद,
यहाँ पे आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान बैठे हैं, पूरा दरबार लगा हुआ है, उनके बगल हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है। पूरा कितना प्यारा ये बनाया गया है। इस दृश्य से आपको एक चीज़ सीखने को सीख लेनी चाहिए कि उस समय भी महिलाओं को कितना सम्मान दिया जाता था, और अभी भी कृष्ण भगवान बगल में बैठ के प्रणाम कर रहे हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं चारों तरफ ये है जगत गुरु कृपाल जी महाराज का कुछ दृश्य। चारों तरफ ब्रह्मांड जैसे बनाया गया है, ऐसा लग रहा है कि ये ब्रह्मांड में विकसित कर रहे हैं। और इनके द्वारा कुछ पुस्तकें लिखी गई हैं, पूरा ये दिखाया गया है, देख सकते हैं आप लोग। और लोग कीर्तन कर रहे हैं इनके बगल में, और ये ऊपर बैठे हुए हैं। इधर महिलाएं भी हैं, देख सकते हैं, यानी कि इनके जो कीर्तन में तो पूजा पाठ में हमेशा महिलाओं का बराबर योगदान था, और महिलाओं को भरपूर सम्मान भी दिया जाता था। अभी आप ये पीछे देख रहे हैं बड़ी सी LED चल रही है, उस पर दिन भर ऐसे वीडियो चलते रहते हैं, और दिखाया जाता है कि कैसे कैसे पहले कीर्तन होता था। और इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि जैसे जगतगुरु कृपाल जी महाराज का जन्म जो है 1922 में इसी गांव में हुआ था, इसलिए यह मंदिर जो है यहीं पे स्थापित कराया गया है। और इसी तरह के दो मंदिर और हैं, सेम स्ट्रक्चर आपको दिखने को मिलेगा। ये दृश्य आप जो देख रहे हैं, कृष्ण भगवान एक उंगली पे पूरा गोवर्धन पर्वत उठाए थे, और बारिश से पूरे डूबने से पूरे अपने प्रजा को बचाए थे। पूरा चारों तरफ देख सकते हैं आदमी भी है, और उनके बगल में गाय है, यानी कि जो जानवर थे और आदमी थे सबको उन्होंने अपने साथ बचवाया था पूरा। अभी ये जो फूल दिख रहा है आपको, ये पूरे नेचुरल हैं, आर्टिफिशियल नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे प्लास्टिक का पूरा रखा गया, मगर ये पूरे नेचुरल बनाए गए हैं। ये आप देख सकते हैं कितना प्यारा दृश्य है, पूरा पानी गिर रहा है पहाड़ से, और लोग वहाँ पे गए भी, आदमी भी पानी भरने के लिए वहाँ पे गए हैं। और इसके बगल में ये देख सकते हैं कृष्ण भगवान जो है शेषनाग के ऊपर